हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जेली बीन्स, लॉलीपॉप्स। अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या अनबॉक्स करें? किंडर सरप्राइज। नहीं, मेलोडी पॉप्स पहले करते हैं, फिर जेली बीन्स करेंगे, लास्ट में किंडर सरप्राइज करेंगे। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज है और स्मार्ट वाला टॉयज, तो ये हम लोग लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम लोग करते हैं मेलोडी पॉप्स। चलो रजिस्ट्री अब ओपन करो। ये है मेलोडी पॉप्स। ये देखो, ये है मेलोडी पॉप्स। इससे क्या होता है रजिस्ट्री? इससे बांसुरी बजता है। बांसुरी बजता है, नहीं सीटी बजता है। देखो कैसे, एक बजा के देखते हैं हम लोग तीनों। चलो ओपन करो, कैसा है ये हम लोग चलो ट्राई करते हैं कैसा होता है ये मेलोडी पॉप्स। ये हमने ओपन किया, तो ये है मेलोडी पॉप्स। चलो हम लोग तीनों एक साथ बजाएंगे। कैसे बजाते हैं देखो, एक बार सीटी बजाओ। ये बहुत ही अच्छा है और ये ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, बहुत ही टेस्टी है। यम्मी। तो खत्म नहीं होगा, तो अभी नेक्स्ट चॉकलेट ओपन करते हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग ओपन करेंगे जेली बीन्स। जेली बीन्स तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये मेलोडी पॉप्स और ये किंडर सरप्राइज ये इम्पोर्टेड है। तो जेली बीन्स हमने ओपन कर लिया। इसमें बहुत सारे कलरफुल बीन्स कैंडी है। वाव, कलर देखो रिस्टीरियो मा। मुझे एक चाहिए। हाँ अब पहले सबको देखने दो। ये देखो कितने सारे कलर्स है इसमें जेली। एक ले लूं। हाँ लो, कौन सा चाहिए आपको? और बस बस दो दो अभी अपने क्या है लॉलीपॉप का है ना। चलो टेस्ट कैसा है बताओ, कौन सा फ्लेवर है? वैनिला, व्हाइट वाला। और आपका कौन सा फ्लेवर है? अच्छा दूसरा, ये भी स्ट्रॉबेरी। मैंने देखा वो रेड कलर फ्रूट्स है। अच्छा बहुत ही टेस्टी है ये। चलो अब हम लोग क्या ओपन करेंगे? ये कौन ओपन? तो ये कौन ओपन करेगा? रियोमा ओपन करेगी। हाँ सब लोग हेल्प करेंगे रियोमा को। चलो तो अब हम लोग खोलेंगे किंडर सरप्राइज, जिसमें 6 एग्स है और उसके अंदर टॉयज है। ये जो नॉर्मल किंडर जो इंडिया में मिलता है वैसा नहीं है, ये जो फॉरेन में मिलता है चॉकलेट के अंदर टॉयज रहता है। चलो ओपन करते हैं। करो रियोमा, आप कर पाओगे? नहीं रुको, ऐसे ऐसे आराम से करते हैं। ये हो गया किंडर सरप्राइज। रुको 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 रुको, धीरे धीरे खोलेंगे, एक एक करके खोलेंगे सारे एग्स। हम लोग एक एक करके ओपन करेंगे। ठीक है पहले रिस्टी ओपन करो। लो आराम से करना, टूटे ना। ओपन हो गया? ओ वाओ। अच्छा चॉकलेट अलग से रखो और उसमें क्या टॉय दिखाओ। नहीं हो रहा, दो मुझे दो, मैं ओपन करके देती हूँ। ये देखो ये ओपन हो गया। ये कैप्सूल टाइप का है जो हमने ओपन किया है और उसके अंदर छोटे छोटे टॉयज है जिसको हमें सेट करना है। ठीक है टॉय तैयार है। चलो चलो टेस्ट करते हैं। ये वाला टेस्ट करो ना, ये ओपन है, इतना नहीं थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ कैसा है ये, बाकी बाद में खा लेंगे। देखो कैसा है टेस्ट, अच्छा है, सबको बोलो अच्छा है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट एक कौन ओपन करेगा? रियोमा, ये लो ओपन करो। वाओ इसमें कौन सा टॉयज है? देखो टॉयज क्या है इसमें, देखो आते हैं। हाँ इसको ओपन करो, नहीं हो रहा है, मम्मी कर दे। चलो इसमें अभी एक प्यारा सा टॉय है, चलो इसको भी सेट करते हैं। कैसा है टेस्ट, अच्छा है? ये तो पहले ही खाना शुरू कर दिया।
मुझे मिला है ये, सॉरी रियोमा को मिला है ये गोल्डन गोल्डन स्मार्फ। देखो गोल्डन स्मार्फ। अब मैं ओपन करूंगी। क्या है ये, एक ना यहाँ पे ना गर्मी ज्यादा है तो हल्का मेल्ट हो गया है, तो ये मैंने कवर ओपन किया और ये मैंने एग ओपन किया। ये दो एग है और इसके अंदर है कैप्सूल। अब कैप्सूल में क्या है देखते हैं। ये है कैप्सूल, कैप्सूल को ओपन करके देखते हैं क्या है इसके अंदर। वाओ, इसमें भी बहुत ही प्यारा सा एक टॉय है, क्यूट सा स्मार्फ। इस कैरेक्टर का नाम मुझे नहीं पता, ऐसे भी ये वाला है, मैं इसको चेक कर। का नाम है स्मार्फ। स्मार्फ है, इन लोगों का अलग से कोई नाम कुछ नाम नहीं है, नहीं पता। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये स्केटिंग करते हुए स्मार्फ मुझे मिला। और भी थ्री एग है, चलो उसको हम ओपन करेंगे। अगर तुम लोग ओपन करोगे या खेलोगे बताओ। ओपन करेंगे तो उसको बाकी सब रख दो, पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं फिर सबको दिखाएंगे, ठीक है। वाओ, छोटा सा कैप्सूल ओपन करो, कैप्सूल में क्या है देखो। नहीं हो रहा है, नहीं। इसको ना ऐसे प्रेस करते हैं। हाँ प्रेस करो, नहीं हो रहा है, कहाँ प्रेस करते हैं। हो गया ओपन, दिखाओ यहाँ पे, दिखाओ क्या है इसमें। ये है रिस्टी की टॉयज, चलो इसको सेट करते हैं। ये है एक कुछ है शायद बोर्ड जैसा और उसके ऊपर ये दादाजी है, इनको हम लोग दादाजी को हम ऐसे सेट करेंगे, वाला स्टिकर हम लगाएंगे। ये हो गया दादाजी रेडी। आराम से। वाओ, ये रियो मैंने ओपन कर लिया। चॉकलेट नहीं, अभी ये कैप्सूल ओपन करो ना। देखो मैं कर देती। हाँ कर। हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत टाइट है, ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो इसको ना हल्का सा ऐसे प्रेस करना होगा और ये ओपन हो जाएगा। चलो इसमें देखते हैं क्या है टॉयज। अच्छा, एक भी टॉयज अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तुमने देखा किंडर जॉय में लेकिन रिपीट होता है, इसमें अभी तक एक भी टॉयज रिपीट नहीं हुआ है। ये मिला है, लास्ट वाला रिपीट होएगा क्या लगता है? जो लास्ट वाला आपकी जान जाएगी ना वो रिपीट, मुझे लगता है नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 सरप्राइज टॉयज लिखा है और वो अलग होना चाहिए। चलो देखते हैं लास्ट वाला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अपने खा लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। ये लोग बस खाने के लिए बैठे हैं, टॉयज में इन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं खा रही हूं। नहीं खा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? मैं लास्ट में खा लूंगी। हाँ पहले टॉयज तो सेट करने दो। ओके फाइनली मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ये देखो ये घूम रहा है, देखो कैसे घूम रहा है। हाँ दिखाओ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। टॉयज ना बहुत ही क्यूट है, अब देखो बिल्कुल एक से बढ़कर एक टॉय है यहाँ पे। अब ये है लास्ट एंड फाइनल एग, अब देखते हैं इसमें जो टॉयज निकलेगा वो रिपीट हो रहा है कि नहीं। ये अपने आप ही ओपन हो गया, देखो या ओपन हो गया। ये बहुत ही मतलब गर्मी है यहाँ पे, इसीलिए शायद इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट जैसा हो रहा है। आपको दिखाऊं मैं, ये देखो ये बिल्कुल ऐसा है, सॉफ्ट है, गर्मी है शायद इसीलिए होगा। चलो अब ये कैप्सूल ओपन करते हैं। अरे यहाँ पे तो सेट किया हुआ ही टॉय है, ये देखो और क्या आ रहा है देखते हैं अंदर से।
एक्सरे है, एक्सरे रिपोर्ट एक्चुअली ये है। अब इसको क्या करना है देखते हैं। ओके, ये है एक्सरे रिपोर्ट। इसको ना ऐसे फोल्ड करके इसे हमें यहाँ पे लगाना है। और ये डॉक्टर्स मार्क। ये एक लड़की है, वो बैग लेकर कहीं शॉपिंग जा रही है और स्केटिंग कर रहा है। और ये अभी तक गोल गोल घूम रहा है और ये बोट चला रहा है। ये तो डॉक्टर स्मार्ट है। और ये स्मार्ट का स्टैचू है। चलो देखते हैं स्टैचू कैसे घूमेगा। अनबॉक्सिंग वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताना और लाइक करना और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को दबाना। बाय।